पीछे करने की कोशिश करेगी थे। हाँ, मैं जेके मोदी तक उनके पीछे गई हूँ। उसके बाद वो गलियों में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इतने सीसीटीवी हम किस किस को देखेंगे। पीछे बैठा था वो तो 20-21 साल का ही था। 20 साल हुई, वो भी उनको दिख रहा है कि वही दो है जो पीछे भाग रहे हैं। उन्हें फुटेज मिल भी गई है पर वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे कि आज महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग तो घूम ही नहीं सकते सड़क पे ऐसे। राधा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलगो झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद हो झुंझुनू के गाड़िया भवन के बिल्कुल पास में और हो रहा है एक रविवार ने शाम की घटना हुआ है कि एक महिला जी की स्कूटी पर जाती हुआ है और चेन स्नेचिंग का जो मामला देखा गया कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर मामला बार बार सामने आ गया था। अब उस जगह पे चोर झुंझुनू भी आपको ठिकाणों बना लियो है। तो ये वीडियो तो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आगे अगर कोई मामला हो तो विशेष ध्यान रखियो जा और कुछ चीजें की सीख ही भी ले जाओ। साथ में प्रशासन जो है वो लगभग ये बात दो दिन बीत गए के बावजूद भी अभी तक ये ऊपर कोई कार्रवाई करी हुई है। तो वीडियो थाने शेयर करना ताकि जल्दी से जल्दी वो वीडियो न सिर्फ झुंझुनू को जो पुलिस प्रशासन है राजस्थान के पुलिस प्रशासन तक जा और ये मामला के अंदर जल्दी से जल्दी जगह आरोपी ही बेसलाखा का है पीछे हुई और जगह को लगभग बताया गया कि 1.5 लाख से ऊपर की बात चाहिए नहीं तो वापस बरामद करी जा सके। राम राम जी। राम राम जी। के नाम बताओ। कामिनी गुप्ता। रामी जी बताओ कि कद की बात है, कद की घटना है ये? संडे शाम को 6:15 के बाद की घटना है। मैं आ रही थी रानी सिटी रोड से अपनी बेटी को लेकर आ रही थी और यहाँ पे आने के बाद पास में गाड़िया भवन के आसपास आने के बाद दो लड़के बाइक पे आए और मेरी चलती स्कूटी से उन्होंने चेन खींची और वो फरार हो गए। और उसके बाद मैं जेके मोदी स्कूल तक मैंने उनका पीछा भी किया था पर वो नजदीक आया स्कूटी क्योंकि चेन खींचने के लिए ऑब्वियसली बात है नजदीक भी आना पड़ा तो एहसास को नहीं होगी कुछ गड़बड़ हो। मुझे हल्का सा एहसास हुआ तो मैंने अपनी स्कूटी को थोड़ा सा टर्न लिया क्योंकि मुझे शायद मुझे लगा मैं वो मुझे टक्कर दे रहा है तो मैंने अपनी स्कूटी को साइड लेने की कोशिश की जब तक वो अपनी मेरी चेन को खींच के फरार हो गए। पीछे करने की कोशिश करी थे? हाँ, मैं जेके मोदी तक उनके पीछे गई हूँ। उसके बाद वो गलियों में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आसपास का जगह और भी जगह काफी दूर से बता रहा कि गाड़िया भवन से जी की जेके मोदी की काफी दूरी है तो भड़तक और कोई भी लोग उनको पीछे करने की रोकने की कोशिश करेगी? नहीं, किसी ने नहीं की पर एक ऑटो वाले ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी पर उसकी भी इलेक्ट्रिक थी तो वो भी इतना नहीं कर पाया। अच्छा। कोशिश की थी उसने भी पर वो नहीं कर पाया पीछा उनका। बाद में क्या कर रहे थे? फिर मैं सीधा कोतवाली गई। कोतवाली जाके मैंने FIR दर्ज करवाई, सब कुछ कर लिया जो भी पुलिस वालों ने बताया और कल वो आके यहाँ पे अपना मौका मुआयना जो भी करना था उन्होंने सब कुछ किया पर अब तक उनका कोई भी रिएक्ट नहीं है अब तक। एक चीज की बनी मामले के अंदर अजीब लग रही भैया लग रही है कि सीसीटीवी चेक करने के लिए थे खुद आया जबकि वो काम पुलिस को है, ये क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अगर कहीं इतने सीसीटीवी हम किस किस को देखेंगे, अगर आप किसी का चेक कर सकते हो तो आप हमें ये चीज देख के बता सको, आप वीडियो ला के दे दो, हमें फोटो ला के दे दो, उन्होंने बोला है। पर चीज हमारी थी तो हमें भागना पड़ रहा है। सही बात है। पर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है, 3 दिन हो गए आज। पॉजिटिव रिस्पॉन्स कौन मिल रहा है? हाँ, बस वो कभी कह रहे हैं कि आपका बयान लेना है, आप अपने साथ किसी को लेके उनके बयान लेने हैं, बस वो यही बोल रहे हैं बार बार। तो बयान तो कोतवाली गया है, FIR लिखाई भी दिया भाई, जब बयान तो वो बयान हुआ जब ही FIR हुई है पर वो फिर भी आज फिर बुला रहे हैं हमें। अभी सीसीटीवी चेक करेंगे देख रहे हैं? नहीं, हाँ किए थे पर पूरा क्लियर आ नहीं रहा और पुलिस ने खुद ने अपने कंट्रोल रूम में जाके वहाँ पे चेक किए फुटेज तो वहाँ पे मेरा भी दिख रहा है कि मैं इधर बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे से आ रही हूँ और मेरे पीछे भी स्पीड से दो लड़के आए हैं वो जेके मोदी स्कूल से मेरे आगे से भाग के गए हैं। वो भी उनको दिख रहा है कि वही दो है जो पीछे भाग रहे हैं। उन्हें फुटेज मिल भी गई है पर वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि आपने देखा कि जगह अपना जगह कैमरा की क्वालिटी फिर भी डाउन आवा लेकिन पुलिस का जगह कैमरा बिल्कुल साफ दिखा। हाँ, हमने देखा था, मैं खुद गई थी कंट्रोल रूम में और वहाँ उनको फुटेज भी मिल गई पर बाइक बिना नंबर की थी और वो ध्यान भी नहीं दे रहे उस बात पे। नंबर देखने भी टाइम भी कोशिश करी थे? हाँ, कोशिश की थी मैंने पर थोड़ा सा क्या मैं उस टाइम एकदम से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं घबरा गई थी। और कोई बाइक के ऊपर कोई चित्र कर रखे हो या फिर कोई निशान है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा, बाइक नहीं थी बस वो इतना मुझे पता चला क्योंकि वो मेरे बहुत पास आके गई है। इसका लड़का अपने की शक्ल याद है? फिर कोई डाटा वगैरह मार रहा नहीं, वो कुछ भी नहीं पहन रखे, ना तो डाटा था ना रुमाल था और कुछ भी नहीं, खुले मुंह। हाँ, आधे रास्ते जाने के बाद उन्होंने एक ने हेलमेट पहना है आगे वाले लड़के ने, वो उसमें फुटेज में दिख रहा है कंट्रोल रूम वाले फुटेज में आधे रास्ते बिना चेहरे ढके अगर यो चोरों ने अंजाम दिया तो खसका कि उनका हौसला कितना बुलंद है।
वो तो अब पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि आप उनको देखो कि आज महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग तो घूम ही नहीं सकते सड़क पे ऐसे, और वो भी स्कूटी पे, हम पैदल भी नहीं थे। तो आप बताओ प्रशासन क्या कर रही है हमारे लिए, हम तो कहीं सेफ नहीं है, ना हमारे बच्चे सेफ है। तो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए प्रशासन को। आज से पहले भी कोई चीज सामने आएगी? नहीं, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक मेरे साथ, पर आज ये पहली बार ऐसा हुआ है। अभी एसपी साहब से मिलने की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ, अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है तो मुझे आगे जाके बात करनी पड़ेगी। मतलब प्रशासन को जो वो खसका की रुख जो बताना सही कौन लग रहा है? नहीं, वो बस चक्कर कटवा रहे हैं, बयान लेने, बयान बार बार एक ही बात के लिए, बयान किस चीज के लेने उनको? स्कूटी था कौन सी? मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी है। मैंने कोशिश की थी पर इतना मैं नहीं दौड़ा पाई अपने। उम्र लगभग कितनी की है लड़के की? उनकी मेरे पास फुटेज है। अच्छा, सिस्टम तो चलो दिखा दे। कंट्रोल रूम से ले लिया था मैंने। लगभग उम्र कितनी का अगर अंदाजा लगा पापा? शायद पीछे बैठा था वो तो 20-21 साल का ही था। 20 साल को ही? हाँ, पीछे बैठा था वो तो। अच्छा, और आगे शायद 35 साल का तो था आगे वाला, 30-35 साल का था वो आगे वाला। मैंने फुटेज में देखा है ये चीज, क्योंकि उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं देख पाई। एक चीज और जानना चाहूंगा था ना कि 20 साल को लड़कों से बता रहे हो कि 20 साल को लड़को जी टाइम भी पढ़ाई की उम्र हुआ है, कुछ करने की उम्र हुआ है, भी टाइम अगर ये को काम करना जाए तो आप समाज ने क्या सोचा होगा, किस दिशा में जा रहे हैं? कहाँ दिशा है, कौन सी दिशा में जाएगा प्रशासन जब ऐसा कर रही है हमारे साथ? हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, प्रशासन को देखते हुए तो हम लोग सब खतरे में है। आज अगर ये मामला के अंदर खुलासा नहीं हुआ, पुलिस अगर आरोपी तक नहीं पहुंच सकी तो वर्ग का हौसला आगे से और बुलंद होना है। वो तो बढ़ने हैं, फिर सबको बढ़ने हैं। और आज वो हमें मेरी चेन खींच के ले गया, कल को मुझे चाकू मार के चला जाता, प्रशासन क्या करती फिर? वो चाकू भी मार के जा सकता था, मेरी बेटी छोटी साथ में थी, उसको भी कुछ कर सकता था। तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में भी हमारे लिए क्या करते? मतलब जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होनो ही आगे के लिए आरोपियों के मन में भय होना जरूरी है। जल्दी से जल्दी आप उनको गिरफ्तार करो और हमारी चीज हमें वापस दिलवाओ। बिल्कुल। तो जी साहब देखा गया ना कि पुलिस को जो वो लोगो एक लागे आगे रहे की आम जन में विश्वास और अपराधिया में भय हो, लेकिन मेरे मानना है की अपराधिया के अंदर भय जो वो जल्दी बनाएगो, जल्दी से जल्दी आगे तक आरोपी उनकी गिरफ्तारी और सलाखा के पीछे होगी, ताकि आम जन के अंदर जो पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो बढ़े और अपराध जो है बिगो ग्राफ झुंझुनू के अंदर कम आवे। आरोपी के अंदर के मानना है कि क्यों इतना हौसला जगाएगा आरोपी का बुलंद होगा कि बिना मुंह ढके भी तोहफे के अंदाजो लगा सका कि कितना हौसला बनकर बुलंद। साथ में उम्र जिस हिसाब से बताई जा रही है कि 20 साल की उम्र है, तो अपना जो समाज है वो किस दिशा में जा रही है, पीछे की वजह की है, प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ा है, जरूर से बताओगा। मिलान अगली अपडेट में, तब तक के लिए।